नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाव। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के करीबी पप्पल प्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, सोमवार यानी कि 10 अप्रैल को पप्पल प्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस उससे अमृतपाल के लिए पूछताछ कर रही है। उसने पुलिस को ये भी बताया है कि वो इतने लंबे समय तक अधिकारियों से कैसे बचते रहे। दरअसल पप्पल प्रीत सिंह को वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का दाहिना हाथ कहा जाता है। 42 वर्षीय पप्पल प्रीत कट्टरपंथी सिख नेता के साथ तब से काम कर रहा था जब से वो 2022 में दुबई से लौटा था। उसने खुलासा किया कि उसने हरियाणा और पंजाब लौटने से पहले हरियाणा, पटियाला, दिल्ली और पीलीभीत सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि उसने सभी ठिकाने की व्यवस्था करने की बात कबूल की और दोनों कारों बसों का इस्तेमाल किया। पप्पल प्रीत सिंह को कई तस्वीरों में अमृतपाल सिंह के साथ देखा गया था, जो दोनों के राज्य पुलिस के शिकंजे से छूटने के बाद सामने आई थी। पटियाला में बलबीर कौर और शाहबाद में बलजीत कौर, जिन्होंने दोनों की मदद की, वो भी पप्पल प्रीत के निजी संपर्क थे। यहां तक कि दिल्ली में कुलविंदर कौर भी पप्पल प्रीत को जानती थी। ये दोनों पीलीभीत में एक सिख उपदेशक जोगा सिंह के संपर्क में भी थे। पप्पल प्रीत के मुताबिक वो पुलिस की बर्बरता से बचने के लिए भाग रहे थे। सूत्रों ने आगे कहा कि पप्पल प्रीत ने दावा किया कि उन्होंने एक समय पर आत्मसमर्पण करने पर विचार किया था। इसके अलावा उसने कबूल किया कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सभी वीडियो और तस्वीरें उन्हीं की हैं। हालांकि उसने ये भी कहा कि उसका इस वक्त अमृतपाल से कोई संपर्क नहीं है। उसने अंदाजा लगाया कि वो इस वक्त पंजाब में हो सकता है। पिछले हफ्ते वो दोनों अलग हो गए थे, जहां पप्पल प्रीत का पुलिस से बातचीत करना और पुलिस को ये बताना चर्चा का विषय बना हुआ है।